हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पी और फूड्स एंड फ्लेवर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अंडा मसाला या एग करी बनाने की एक बहुत ही सिंपल रेसिपी दूंगी। यह रेसिपी और रेसिपीज से अलग है क्योंकि हम इसमें सूखी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे जो कि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अंडा मसाला बनाने के लिए हम कुछ सूखी मिर्चियाँ लेंगे जिनके हम बीजे इस तरह से निकाल देंगे। मैंने इसी तरह की मिर्चियाँ 20 मिनट से पानी में सोख करके रखी हुई हैं और अब मैं इन मिर्चियों को पानी के साथ ही मिक्सी के जार में डालूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 लहसुन की कलियां डालूंगी और अब मैं इनको अच्छे से पीस लूंगी। ये पिसा हुआ मसाला तैयार है, मैं इसको अलग रखूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 4 उबले और छिले हुए अंडे लिए हुए हैं। अब मैं एक टूथपिक की सहायता से इनमें छेद कर लूंगी जिससे कि ये तलते समय तेल ना उछाले। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन को मीडियम हीट पे गरम किया हुआ है और अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी और अब हम इसमें उबले हुए अंडे रखेंगे। अब हम इनको कई बार पलटते हुए सेकेंगे जब तक ये सुनहरे ब्राउन कलर के ना हो जाएं। आप देख सकते हैं कि अंडे ब्राउन हो चुके हैं। मैं इनको बाउल में अलग से निकाल लूंगी और अब इसी पैन में मैं करीब 4 बड़े चम्मच तेल के डालूंगी। इसके साथ ही मैं 1 छोटा चम्मच जीरे का डालूंगी और कुछ सेकंड के लिए जीरे को भून लूंगी। अब मैं इसमें 3/4 कप कसा हुआ प्याज का डालूंगी और उसको अच्छे से मिलाऊंगी। इसके साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे और अब हम इस प्याज को करीब 10 से 12 मिनट तक भूनेंगे कि जब तक ये भूरी ना हो जाए और अच्छे से तेल ना छोड़ दे। अब आप देख सकते हैं कि प्याज का रंग बदल चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपना चिली और गार्लिक पेस्ट डालेंगे जो कि हमने पहले बनाया था और हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और कुछ देर के लिए भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्याज अदरक लहसुन का मसाला भुन के तैयार है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का डालूंगी। इसके साथ ही इसमें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर का डालेंगे और अब हम इन सबको अच्छे से मिलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें 1 कप कसा हुआ टमाटर का डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और अब हम इसको ढकेंगे और स्टोव की आंच को धीरे करेंगे और 8 से 10 मिनट तक के लिए इस टमाटर को भुनने देंगे। बीच बीच में हम ग्रेवी को चलाएंगे जिससे कि ये नीचे ना लगे और जल ना जाए। अब करीब 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खुले में थोड़ी देर पकाएंगे और इसको तेल छोड़ने तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी भुनकर तैयार है। अब हम इसमें उबले हुए अंडे डालेंगे और उनको ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि मसाला जल ना जाए और अंडे को ग्रेवी में कुछ देर के लिए और भूनेंगे। अब हम इसमें करीब 1 कप या फिर आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उतना पानी डालेंगे और अंडों और ग्रेवी को अच्छे से मिलाएंगे। और अब हम इसको कुछ देर के लिए ढककर पकने देंगे। कुछ समय में ही ग्रेवी उबलने लगेगी। अब हम इसकी आंच बंद कर देंगे। अंडा मसाला या एग करी बनकर तैयार है। यह एग करी चावल या रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आप ज़रूर बनाइएगा और आशा करती हूँ यह करी आपको बहुत पसंद है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।